हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। आपके क्लास 11 में ये चैप्टर है जिसमें किंगडम मोनेरा आता है विटैकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। इसके अलावा आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे वो पीजीटी का हो, टीजीटी का या फिर मेडिकल का, उसमें किंगडम मोनेरा पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि क्या इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि विटैकर के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला किंगडम का नाम मोनेरा ही क्यों आता है? बाकी प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एनिमेलिया है, प्लांटे, ये सब बाद में क्यों आते हैं? इसलिए क्योंकि मोनेरा में प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो कैसे हैं? स्ट्रिक्टली प्रोकैरियोट। अब ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस अनडेवलप हो। आपको पता है न्यूक्लियस के चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो इसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है। जैसे आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में या सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है। इसमें नेकेड डीएनए होते हैं या नेकेड आरएनए होते हैं। डीएनए कैसा होगा? नेकेड होगा। और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ये जो डीएनए और न्यूक्लियोप्लाज्म है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। दूसरा क्या है? ये यूनिसेल्यूलर है, सिंगल सेल के बने हुए हैं। इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो कैसे हैं? सिंगल सेल के बने हुए हैं, यूनिसेल्यूलर। और उसमें भी आप आगे देखेंगे इसके और जो ग्रुप्स हैं उसमें एक्टिनोमाइसिटीज जो है वो कैसे होते हैं? फिलामेंटस बैक्टीरिया। एक्टिनोमाइसिटीज कैसे हैं? फिलामेंटस बैक्टीरिया। मोनेरा में कौन कौन आते हैं? प्रोकैरियोट एल्गा आते हैं, इसमें बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोट। उन्हीं में से एक बैक्टीरिया है एक्टिनोमाइसिटीज। ये कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट की तरह होते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, रिजिड सेल वॉल मेड बाय पॉलीसेक्राइड। माइकोप्लाज्मा के अलावा और जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें क्या होगा? सेल वॉल होगी, और किसकी बनी होगी? पॉलीसेक्राइड की। हमें ध्यान रखना है इसमें सेल्युलोज जो है वो एब्सेंट होता है, सेल्युलोज की सेल वॉल नहीं बनी होगी। नेक्स्ट क्या है? माइकोप्लाज्मा में क्या होता है? सेल वॉल तो नहीं होती है, लेकिन उसकी जगह क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है किसी भी सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, अगर प्लांट है तो सेल वॉल होगी, अगर एनिमल है तो सेल मेम्ब्रेन होगी। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है बल्कि सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटेंट है ये। कॉस्मोपॉलिटेंट का मतलब क्या होता है? हर जगह मिल सकते हैं ये, पानी में, हवा में, मिट्टी में, हर तरह की कंडीशन में, ठीक है, ये मिल सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया क्या है? ये बहुत हाई टेम्परेचर में भी मिल जाएंगे, बहुत हॉट स्प्रिंग है उसमें भी मिल जाते हैं, ये बहुत कोल्ड कंडीशन में भी मिल जाते हैं, ये बहुत साल्टी कंडीशन में भी मिल जाते हैं। तो आर्कियोबैक्टीरिया जो है ये हर कंडीशन में मिल जाएंगे, ठीक है। ये इसके कई मेंबर्स ऐसे हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बदल देते हैं अमोनिया में। जो नाइट्रोजन गैस है उसको अमोनिया में बदल देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक ऐसा बैक्टीरिया बताएं जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करता हो। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मतलब कि हम जब भी कोई दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसको कहते हैं हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जैसे राइजोबियम आपने पढ़ा होगा कहाँ मिलता है? रूट नोड्यूल्स में, जितने भी पल्सेस होती हैं, जितने भी सीरल्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में मिलता है ये, और वहाँ क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में बदलता है? ये अमोनिया में बदलता है, ठीक है ना, जो कि प्लांट इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह ही इनको हेल्प करता है, ठीक है, बदले में प्लांट इसे शेल्टर देते हैं, ठीक है, फूड देते हैं।
नेक्स्ट है डीएनए जो है कैसा होता है इसमें नेकेड। अभी मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डीएनए कैसा होता है, नेकेड होता है। वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, कहाँ होगा डीएनए, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होंगे, जैसा कि आपने देखा था कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बाइंड होते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इसमें एब्सेंट होते हैं। किन में, किंगडम मोनेरा में। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, ये सारे ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट होंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, ये सब एब्सेंट होंगे। तो अभी हमने देखा था कि मोनेरा में कैसे थे प्रोकैरियोट्स, तो इन सब में, इन सारे मेंबर्स में ये सारा ऑब्सेंट होगा। फिर क्या है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ होंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मीजोसोम्स में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होंगे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट है, बल्कि मीजोसोम्स पे होंगे। और मीजोसोम्स क्या होते हैं, इनर फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इन फोल्डिंग्स होते हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ काफी फोल्ड हो जाती है, उस फोल्डिंग्स के बीच बीच में जो है उस पर जो है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। फ्लैजिलम इज सिंपल, मेड ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन। फ्लैजिला कैसे है, इसके सिंपल है और किसके बने होते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन के, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्लैजिलम नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑन फ्लैजिलम इज 9+0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मोनेरा में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, 9+2 टाइप होता है या 9+0 टाइप। तो 9+0 टाइप होता है फ्लैजिलम पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्या है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, याद ना इसमें गैमेट बनते हैं और ना ही इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेन टाइप इसमें रिप्रोडक्शन का क्या है, असेक्सुअल, असेक्सुअल टाइप है रिप्रोडक्शन का। और उसमें भी तीन मेन टाइप्स हैं, एक है बडिंग, दूसरा है बाइनरी फिजन और तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन। बडिंग क्या होगी, जैसे बड निकल आती है छोटी सी, वो सेपरेट हो गई और उसने नया नया जो है बैक्टीरिया या प्लांट जो भी है बना लिया। बाइनरी फिजन में पूरी सेल डिवाइड हो जाएगी दो फॉर्म में, दो पार्ट्स में, और वो नई अलग अलग सेल बना लेगा। और स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर्स बनेंगे। तो मेन जो इसमें रिप्रोडक्शन का टाइप है वो क्या है, मोड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें एब्सेंट रहेगा। गैमेट फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ये दोनों एब्सेंट होंगे। किसी किसी में इसमें कंजुगेशन बनता है, कंजुगेशन जो है वो मिलता है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम क्या क्या है, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, आर्कीबैक्टीरियम है और रिकेट्सिया है। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, मोनेरा का क्लासिफिकेशन क्या है। तीन मेन ग्रुप्स हैं मोनेरा के, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये जो अभी हमने मोनेरा किंगडम देखा था इसके भी तीन और ग्रुप्स हैं, कौन कौन से, आर्कीबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब हम देख लेते हैं फिर से कि इन पे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्या बनता है कि प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म जो है वो किस किंगडम में रखे जाते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, मोनेरम है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एनिमेलिया है, तो आप क्या बताएंगे कि मोनेरा में प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मोनेरा में जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, दोनों तरह के हैं, तो आप क्या बताएंगे, यूनिसेलुलर। मोनेरा में कैसे मेंबर्स हैं, यूनिसेलुलर। नेक्स्ट क्या है कि किस तरह के बैक्टीरिया जो है उनका स्ट्रक्चर फिलामेंटस है, तो आप बताएंगे एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज जो है वो कैसा है, फिलामेंटस बैक्टीरिया है ये, ठीक है। सेल वॉल जो है मोनेरा में किसकी बनी होती है, पॉलीसेक्राइड। क्वेश्चन दे देगा
सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पॉलीसेक्राइड्स। ऑप्शन में सेल्यूलोज भी वो देगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सेल्यूलोज की वॉल नहीं बनी हुई है, ठीक है। और कौन सा ऐसा मेंबर है मोनेरा का जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है? तो हम क्या बताएंगे? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा मेंबर है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और क्या प्रेजेंट रहेगा? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे जो ज्यादा पूछता है वो आर्की बैक्टीरिया हॉट कंडीशंस में, हॉट टेम्परेचर पे या कोल्ड टेम्परेचर पे या साल्टी कंडीशंस में रह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं या कौन सा ऐसा ग्रुप है मुनेरा का जिसके मेंबर्स हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम क्या बताएंगे? आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछा जाता है अक्सर कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल राइजोबियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कौन सा है, तो आप एग्जाम्पल देंगे राइजोबियम। ये भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जाम्पल कौन है, तो भी हमें ध्यान रखना है राइजोबियम। नेक्स्ट क्या है इसका? हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके रेस्पायरेटरी एंजाइम्स कहाँ मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेजोसोम्स पे। आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी दे दिया जाएगा, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स भी दे दिया जाएगा, साइटोप्लाज्म भी दे दिया जाएगा और मेजोसोम्स। तो आपको क्या बताना है, सही आंसर क्या है इसका? मेजोसोम्स। फिर क्या है? फ्लैजिलम जो है वो किस प्रोटीन के बने होते हैं? फ्लैजिलिन, ये ध्यान रखना है। और 9+0 का अरेंजमेंट भी अक्सर पूछा जाता है। 9+0 का अरेंजमेंट किस किंगडम में है? तो आप बताएंगे मोनेरा में, ठीक है। अब हमने अभी देखा था कि मोनेरा का क्लासिफिकेशन, हमने तीन ग्रुप देखे थे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू।